नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आजमगढ़ शहर कोतवाली के अलवल मोहल्ले के गली में स्थानीय निवासी 18 वर्षीय छात्र दीपांशु चौधरी पुत्र विजय चौधरी को सीने में गोली लग गई। आनन फानन में दो लोग बिना पुलिस को सूचना दिए जिला अस्पताल उसको लेकर पहुंच गए। वहां पर डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल ले आने वाले दोनों युवकों को अपने साथ ले ली और उनसे पूछताछ की जा रही है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मौके का मुआयना किया। उनके साथ ही फील्ड यूनिट ने भी साक्ष्य कलेक्ट किए। एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया सीने में गोली लगने से ही मौत हुई है। घटी है, 18 साल के बच्चे को गोली मारी गई है, क्या है प्रॉब्लम? 19 वर्ष के उम्र के दिव्यांशु चौधरी पुत्र विजय चौधरी जो चौकी क्षेत्र अलवल के रहने वाले हैं, लगभग 6:15 बजे पुलिस को सूचना मिली जिला अस्पताल से कि इनको एडमिट कराया गया है जिला अस्पताल में, जहां इनकी मृत्यु हो गई है और इनको चेस्ट में गोली लगी है। जो दो लोग ले जाने वाले थे हॉस्पिटल में, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा किया गया है। यहाँ जाँच से अभी तक ये पता चला है कि जो घटनास्थल है उसके आसपास शाम के समय कुछ लड़के बैठते थे और कुछ बियर की बॉटल्स और शराब की बोतलें मिली हैं। घटना के बारे में अभी परिजनों के द्वारा कुछ नहीं बताया गया, उनके द्वारा मात्र इतना बताया गया कि ये शाम को 6 बजे घर से निकले थे और लगभग 6:15 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि जिला अस्पताल में इस प्रकार से एक व्यक्ति को लाया गया है उपचार के लिए। डिटेल में घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी इस घटना में शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, गोली लगने से किसके द्वारा कराया गया? जो दो लोग हैं जिनके द्वारा भर्ती कराया गया, उनसे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इनका भी रोल क्लियर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पुलिस को सूचना ना देना और डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाने के बाद और वहाँ से जिला अस्पताल से डॉक्टर्स के माध्यम से पुलिस के पास सूचना आना, इससे हम लोग बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पर काम कर रहे हैं और पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गोली लगने से ही मौत हुई? हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही है, गोली लगने से मौत हुई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।